लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। किरण, मैं लौट गया। मैं मीरा मुझे छोड़ के चले गई। वो मेरी सब कुछ थी, मेरी जिंदगी थी, मेरी। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। मैं जानती हूं विशाल, लेकिन ऐसा दिल छोटा करने से क्या होगा। मुझे देखो, मैं भी तो अपने दिल पर पत्थर रखकर जी रही हूं। हिम्मत रखो विशाल। जग्गा सारे जग का मालिक है। जग्गे का पंजा मौत का पंजा है। वो सब हो जाएगा, तू चिंता ना कर। विशाल, मैं से जान से मार दूंगा। कानून को तुम हाथ में नहीं ले सकते। छोड़ दो इसे। इसको अपनी की सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। योर ऑनर, ये दोनों बेरहम मुजरिम हैं। इन्होंने कानून को ही नहीं, एक भाई को भी जीते जी मार डाला है। इन्हें ऐसी सजा दीजिए कि आज तक कानून के इतिहास में किसी मुजरिम को ना दी गई हो। योर ऑनर, ये झूठ है, सरासर इल्जाम है मेरे मुवक्किलों पर। इनसे पूछा जाए कि इनके खिलाफ इनके पास क्या सबूत हैं। सबूत? डीएसपी खन्ना से मुझसे सबूत मांग रहे हैं? जो इस कटघरे में शहर के ना जाने कितने मुजरिमों के जुर्म का गवाह बनकर उन्हें सजाएं दिलवाता रहा, और आज उसी ऑफिसर की दुनिया जल गई है और आपको सबूत चाहिए। ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर विशाल, यह अदालत तुम्हारे जज्बात को समझती है, लेकिन तुम कानून वाले हो, तुम्हें भी कानून की समझ होनी चाहिए। तुम्हारे अपने केस में तुम्हारी अपनी गवाही की वो अहमियत नहीं रहती जो किसी गैर के केस में रहती है। इन्हें कातिल साबित करने के लिए
क्या तुम्हारे पास कोई और चश्मदीद गवाह है? यस योर ऑनर, मेरे पास गवाह है जिसकी गवाही इंसान तो क्या भगवान भी नहीं ठुकरा सकते। मैं अदालत में उसे पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है? अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। मिस्टर खन्ना, कहां है वो आपका गवाह जिसकी गवाही को भगवान भी नहीं जुटला सकता? गवाह है वकील साहब, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इन दोनों मुजरिमों को पब्लिक के बीच में बिठा दिया जाए। क्यों, कोई वजह? इस केस की गुत्थी सुलझाने के लिए जज साहब, मैं अदालत की मदद चाहता हूं। मुझे यकीन है कि मेरा गवाह पब्लिक के बीच में से इन दोनों मुजरिमों को निकाल कर अदालत के सामने पेश कर देगा। इजाजत है, गवाह पेश किया जाए। ऑर्डर ऑर्डर, प्लीज सिट डाउन। मिस्टर खन्ना, इस बेजुबान जानवर को भरी अदालत में पेश करके आप अदालत का मजाक उड़ा रहे हैं। वकील साहब, यही बेजुबान जानवर भरी अदालत में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाएगा। साहब, जिस वक्त मेरी बहन और उसके पति का कत्ल हुआ था, यह कुत्ता मेरे साथ था, और आज भरी अदालत में इतने आदमियों के बीच में से उसने इन दोनों कातिलों को पहचान लिया है। अब फैसला आपके हाथ में है। योर ऑनर, मिस्टर खन्ना एक पुलिस ऑफिसर हैं, और यह कुत्ता इन्हीं का ट्रेन किया हुआ है। हो सकता है कि इन्होंने इस कुत्ते को बार बार उन दोनों आदमियों की तस्वीरें दिखाई हो। ऐसी हालत में इस कुत्ते का उन दोनों को पहचान लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। अब मैं अदालत के सामने एक ऐसा गवाह पेश करूंगा कि जिसके बाद किसी गवाही की जरूरत महसूस नहीं होगी। मैं उस गवाह को पेश करने की इजाजत चाहूंगा योर ऑनर। इजाजत है। योर ऑनर, जिस नौजवान का खून हुआ वो मेरा बेटा था, मेरे जिगर का टुकड़ा था। इसलिए जिन्होंने ये खून किया है उन कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उन्हें फांसी पर लटका देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक बाप से उसका बेटा छीना है। लेकिन अफसोस की बात यह है योर ऑनर कि ये दोनों कातिल नहीं है, क्योंकि जिस दिन मेरे बेटे का कत्ल हुआ उस दिन ये दोनों मेरे साथ लखनपुर गांव में एक एमएलए के शादी में थे। ये झूठ बोल रहा है ऑनर, ये गीता का पान है, तुम झूठे हो। अरे कैसे बाप हो तुम, कैसा दिल है तुम्हारे में, जो अपने बेटे के कातिलों को सजाए मौत दिलवाने के बजाय उनका साथ दे रहे हो। अरे तुम कितने खुदगर्ज हो कि अपने बेटे की मौत पर भी अपनी अपनी खुशी खुशी संभाल रहे हो। मिस्टर विशाल, बिहेव योरसेल्फ। सबूतों और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत शक की बिना पर मुलजिम बनारसी दास और जगताप उर्फ जग्गा को बाइज्जत रिहा करती है। नहीं जसाब, नहीं नहीं जसाब, ये न्याय नहीं है जसाब, ये इंसाफ का खून है जसाब। इस चार दीवारी में मिलने वाले न्याय की हत्या कर रहे हैं आप हत्या रहे हैं जसाब। रुक जाइए जसाब। Thank you.
देखा तुमने, वो गुनहगार कितनी आसानी से छूट गए। मेरी मेरी आंखों के सामने, और जैसा हमने छोड़ दिया उन्हें, और मैं कुछ ना कर सका, कुछ ना कर सका। भगवान पे भरोसा रखो। भगवान? कौन सा भगवान, कैसा भगवान? जो मजबूर और बेबस कर देता है हम जैसे इंसानों को, वो भगवान? तो बुलाओ उस भगवान को, वो सबसे बड़ा जज है ना, तो कहो उसे कि इस कुर्सी पर आकर बैठे और मेरा इंसाफ करे। वो तो जानता है ना कि मेरी बहन का खून किसने किया, उसका सुहाग किसने उजाड़ा। तो ये सब जानते हुए वो खामोश क्यों है? धरती से पापियों का सर्वनाश क्यों नहीं कर देता? अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो उसे भगवान कहलाने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार, कोई अधिकार नहीं। विशाल, क्या हुआ? कोई कोई अधिकार नहीं। क्या हुआ तुम्हें विशाल? उठो बेटा, ऑफिस जाना है ना। ये लो आज का अखबार। उठो भैया, भैया उठो ना भैया। ओहो, 9 बजे हैं, ऑफिस नहीं जाना है। देखो आज के अखबार में क्या छपा है। अरे क्या छपा होगा इसमें, यहाँ बम फटा है, वहाँ गोली चली है, यहाँ। इसमें छपा है कि आपकी बहन फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास हुई है। बहन किसकी है? चल उठ, हाथ मुंह धो ले, मैं चाय लेकर आती हूँ। भैया, भैया, भैया ऑफिस से जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये मेरा इस्तीफा है सर। विशाल, तुम्हारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता बच गया था। हम जानते थे, हम जानते हैं, हम जीत गए, हंस, हम जीत गए, हंस। गोले में हाँ, तुम्हारी मौत। Ah!
आइए कमिश्नर वीर बहादुर सिंह साहब, आइए। सिंसेरिटी और ऑनेस्टी की जिंदा मिसाल। इस मान सम्मान का बहुत बहुत धन्यवाद। काश के हर सरकारी कुर्सी पर बैठने वाले के मुतल्लिक यही कहा जा सकता। आइए, आप हर सरकारी कुर्सी से यही उम्मीद रखते हैं, जबकि आप खुद अपने काम के प्रति वफादार नहीं हैं। काश के आपने यही सब कुछ हमारे आते ही कह दिया होता। हम जानते थे कि आप हम पर यही इल्जाम लगाएंगे। ये इल्जाम नहीं, ये हकीकत है। आपने पुलिस की वर्दी में गुंडे पाल रखे हैं। कहीं ये सब कुछ आप अपने मुतल्लिक तो नहीं कह रहे? आपने उस डीएसपी खन्ना को सर पर चढ़ा रखा है। जानते हैं, उसने आज एक नामचीन शहरी जोगिंदर का खून कर दिया। अगर ये सच है तो डीएसपी खन्ना तो क्या, हम बड़ी से बड़ी हस्ती को भी कानून से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। आप इस लायक रहेंगे तब ना। इससे पहले कि आपकी हरकतें बढ़े, मैं आपको सस्पेंड करता हूँ। हम खुद ही रिजाइन करते हैं, यहाँ अभी और इसी वक्त। अब तो आप जैसे मिनिस्टरों की गैर कानूनी हरकतों से हमारा भी दम घुटने लगा है। जाते जाते अब एक आम शाही के नाते आपको मशवरा देते हैं कि जल्द से जल्द अपने आप को सुधार लीजिए, वरना। वीर बहादुर सिंह, ज्यादा चिल्लाइए मत, गले में खराश आ जाएगी। ये रहा हमारा आखिरी सलाम। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मेहरबानी करके बैठ जाइए, बैठ जाइए। सर, कमिश्नर साहब को नौकरी से निकालकर होम मिनिस्टर साहब ने अच्छा नहीं किया। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कमिश्नर साहब ने खुद अपनी मर्जी से रिजाइन किया है। किस मजबूरी के तहत उन्होंने रिजाइन किया है आप खुद जानते हैं सर। हम सब नौकरी से रिजाइन कर देंगे सर। पागल हो गए हो? एक मामूली से कमिश्नर की खातिर अपने पेट पे लात मारोगे? कमिश्नर साहब, हम सबकी श्रद्धा हैं सर। कमिश्नर साहब सच्चाई की एक मिसाल है सर। अगर कमिश्नर साहब को वापस नौकरी पर नहीं लिया और होम मिनिस्टर साहब ने रिजाइन नहीं किया तो हम सब स्ट्राइक पर चले जाएंगे सर। कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब। जरूर जरूर, आपके कमिश्नर साहब जिंदा रहेंगे, आप जिंदा रहेंगे, आपकी मर्यादा जिंदा रहेगी और ये स्ट्राइक नहीं होगी। आप स्ट्राइक नहीं करेंगे, इसमें ना आपका भला है ना हमारा भला है और ना ही देश का भला है। स्ट्राइक से आम तौर पर कभी भी किसी का भला नहीं हुआ। हम आपसे विनती करते हैं कि आप हर रोज की तरह अपनी ड्यूटी पर पहुंचिए। ड्यूटी से बड़ी और कोई पूजा नहीं, ड्यूटी से बड़ी और कोई इबादत नहीं। जनता की सेवा ही हम लोगों का पहला और आखिरी आदर्श है। और फिर स्ट्राइक क्या शोभा देती है पुलिस फोर्स को? नहीं, हरगिज नहीं। जिस काम में शोभा नहीं वो काम किस काम का? पुलिस को ये खाकी वर्दी दी जाती है हड़ताल रोकने के लिए, हड़ताल करने के लिए नहीं। और याद रहे कि स्ट्राइक अपनी हार को मान जाने का दूसरा नाम है। दृढ़ विश्वास से हम कहते हैं कि आपकी हार नहीं होगी, हमारी हार नहीं होगी, इंसाफ होगा और जरूर होगा। रहा आपके इस पुलिस कमिश्नर की सस्पेंशन का सवाल, हम फॉरेन चीफ मिनिस्टर को मिलेंगे। मैं पांडे जी को फोन करवा दूंगा, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू सर। सर, नहीं नहीं, ये गलत है, मैं इस पर साइन नहीं करूंगा। तिवारी से कहो कि मुझसे आकर मिले वो। जी सर। कमिश्नर साहब। आइए कमिश्नर साहब, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू
कि आपने पुलिस की हड़ताल को रोक दिया। बैठिए मिनिस्टर साहब, वो तो अच्छा ही हुआ। बाकी हमारी एक गुजारिश है। फरमाइए। जानते हुए कि आपका वक्त बहुत कीमती है, फिर भी आप इसे पढ़ लीजिएगा। ये क्या? इसमें श्री होम मिनिस्टर के सब कारनामे और हरकतें दर्ज हैं। कारनामे हैं काले और हरकतें हैं गैर कानूनी। हमें खबर है और हम भी इस मामले की गहराई तक पहुंच चुके हैं। आपके होते हुए उन्होंने जो कुछ भी किया उसके लिए हमें खुद को बेहद पश्चाताप है। वो जो हुआ सो हुआ, अफसोस है और बहुत अफसोस है चीफ मिनिस्टर साहब इस बात का कि इस किस्म के लोग सियासी चोला पहनकर हुक्मरान बनते हैं और फिर जुल्म करते हैं। इस तरह हमारे कानून का क्या होगा, हमारे समाज का क्या होगा, हमारे देश का क्या होगा? ऐसे हो मिनिस्टर को कुर्सी से हटा देना ही आपका फर्ज बनता है। हमने अपनी पुलिस फोर्स को विश्वास दिलाया है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब दयानतदार और इंसाफ पसंद रहे हैं। वो वही करेंगे जो असूलन ठीक होगा। हम आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे कमिश्नर साहब, लेकिन हमारी भी एक विनती है आपसे। जब तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाते तब तक आप अपनी ड्यूटी पर कायम रहेंगे।